सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकती, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकती हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। आज का पंचांग 19 मार्च 2022 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:36 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 11:38 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्र नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:35 से 11:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 19 मार्च 2022 दिन शनिवार, अभी यात्रा करने या नया कुछ पढ़ने की संभावना है। किसी चीज पर रिसर्च अभी आपको लुभा रही है। अध्यापक या सलाहकार की सलाह के बाद ही कोई निर्णय लें। भाग्य आपके साथ है, शायद कोई अप्रत्याशित धन भी आपका इंतजार कर रहा है। आज अतिरिक्त आमदनी का योग है। आपकी खुशी आपके द्वारा किए गए निर्णयों पर निर्भर करती है। आपका अपना रवैया यह निर्धारित करेगा कि आप सफल होंगे या नहीं। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, तब भी अपने लक्ष्य को ना बदलें, बल्कि अपने प्रयासों को लक्ष्य अनुकूल बनाएं। पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधित वस्तुओं के शॉपिंग आदि में मस्ती भरा दिन व्यतीत होगा। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही आय की स्थिति बेहतर होने से तनाव नहीं रहेगा। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर फोकस रहेंगे। परिवार के लोगों के खिलाफ जाकर लिया हुआ निर्णय आपके लिए तकलीफ का कारण बनेगा। भले ही आपको आपका निर्णय सही लगता हो, लेकिन इसके परिणाम परिवार के लोगों पर क्या होते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करें। अपने सीमित विचारों से बाहर निकलकर अन्य लोगों के बारे में भी सोच विचार करें। करियर संबंधित निर्णय लेते समय अपनी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल ना जाएं। अपनी रुचि और कार्य क्षमता का ध्यान रखें। विवाह संबंधित निर्णय को असहमति प्राप्त होने में वक्त लगेगा, लेकिन निर्णय आपकी मर्जी के अनुसार ही होगा। सावधानियां, कुछ समय आत्म अवलोकन में भी जरूर लगाएं तथा अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। घर के सदस्यों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें। कभी कभी अमल की भावना उत्पन्न होने से आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। रिश्ते में गलत फहमियों को जगह न दे और प्यार का इजहार करते रहें, इससे आपकी चाहत आसमान को छुएगी। घर पर आए संकट को दूर करने में व्यस्त रहेंगे। अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर सोचें कि आप क्या चाहते हैं। आज आप अपने हमसफर से मिलेंगे और उस रिश्ते में बंधेंगे जिनका सपना आप लंबे समय से देख रहे हैं। आप आज सबका केंद्र बिंदु हैं, किंतु जब तक आप दोनों साथ हैं तो डरना क्या। बात करते हैं करियर की। आपके करियर में बदलाव आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा, क्योंकि आज अच्छा भाग्य आपके साथ है। कानूनी मामलों में अभी दूरी बनाए रखना ही आपके लिए फायदेमंद है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। दिमाग का प्रयोग करें और अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। आज आप अधिक व्यस्त रहेंगे और यह व्यस्तता अतिरिक्त काम, फ्रीलांसिंग या किन्हीं निजी कारणों से भी हो सकती है। अपनी कड़ी मेहनत से आप अपनी स्थिति और अपनी छवि दोनों को सुधार सकती हैं। आपका दृष्टिकोण यह तय करता है कि आप
अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं या नहीं। इसलिए अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखें। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक तनाव और कार्यभार की वजह से सिर दर्द और थकान हावी हो सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियों से अपना बचाव रखें। आज का उपाय, आज पीपल के पेड़ के समक्ष दिया जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।